वेलकम टू सेंट विल्फ्रेड लॉ कॉलेज। पीआईएल का ये सब्जेक्ट है जिसके अंदर आज हम जुडिशियल एक्टिविज्म के ऊपर चर्चा करेंगे। जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में हम जब बात करते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म पीआईएल के संबंध में तो हम करेंगे बाद में बात, पहले हम जुडिशियल एक्टिविज्म समझ लें होता क्या है। जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब हो गया कि कोर्ट एक्टिव होकर काम कर रही है, तो कोर्ट तो एक्टिव होकर काम से भी कर रही है, तो इसको हम समझें कैसे। जब कोर्ट खुद आगे बढ़कर किसी मैटर के अंदर एक्शन लेती है, यानी कि कोर्ट उसके अंदर इंटरेस्ट ले रही है कि इसके अंदर डिसीजन इस तरीके से दिया जाए कि पब्लिक एट लार्ज को फायदा पहुंचे, तो वहां पर हम कोर्ट के इस एक्शन को, कोर्ट के इस एक्टिविटी को जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं कि जुडिशियली कोर्ट एक्टिव होकर काम कर रही है। और पीआईएल से जुड़ा हुआ सीधा इसलिए भी है क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मामले होते ही ऐसे हैं जो पब्लिक एट लार्ज को अफेक्ट करते हैं, और जुडिशियल एक्टिविज्म भी ऐसा ही कुछ एक्शन लिया जाता है कोर्ट द्वारा जहां पर एट लार्ज इफेक्ट पड़ता है। अब जुडिशियल एक्टिविज्म के रिगार्डिंग यहां पर मैंने कुछ केसेस भी लिख रखे हैं, और ये केसेस वो केसेस हैं जो आप काफी बार अपने फर्स्ट सेमेस्टर से या फर्स्ट ईयर से आप इसको पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। ऐसा कुछ नया नहीं है जो मैं आपको यहां केस के बारे में नया बता रहा हूं, लेकिन ये वो केसेस हैं जिसमें जुडिशियली एक्टिविज्म देखने को मिलेगा आपको। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही केसेस हैं, बहुत सारे केसेस हैं, यहाँ तक कि केशवानंद भारतिया केस भी आप जो है जुडिशियल एक्टिविज्म के तौर पर देख सकते हैं। उसके अंदर भी कोर्ट ने यह कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट किए जा सकते हैं, यहाँ तक कि फंडामेंटल राइट्स जो है उनको भी अमेंड कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को बिना छेड़े। तो यहाँ पर कोर्ट जुडिशियली एक्टिव होकर कुछ ऐसा डिसीजन दे रही है जो कहीं ना कहीं आगे प्रेसिडेंट के तौर पे काम किया जाएगा, उसका प्रेसिडेंट बन जाएगा वो, या फिर वो पब्लिक एट लार्ज को डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगा। कोर्ट ने इस तरह से खूब सारे जजमेंट पहले दिए हैं और अब भी देती आ रही है, जैसे कि बिहार का मामला था। बिहार के अंदर प्रिजनर्स, उनकी बारबरिक कंडीशन थी अच्छे से, तो उनके रिगार्डिंग हुसैनारा खातून का केस हम पढ़ते हैं, और उसके अंदर काफ़ी हजारों की तादाद के अंदर कोर्ट ने उनको, प्रिजनर्स को फ्री किया था। ऐसे ही हैंडकफ के रिगार्डिंग कोर्ट का जजमेंट आया था कि हैंडकफ सिर्फ सस्पिशन के आधार पर तो आप उसको हैंडकफ नहीं पहनाएंगे। जेल से कोर्ट लाते हुए, कोर्ट से जेल जाते हुए आप उसको हैंडकफ का प्रयोग नहीं करेंगे। हालांकि इसमें कोर्ट ने छूट दी थी कि अगर उसके भागने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं या पब्लिक जो ऑर्डर है उसके भंग होने की संभावना है, तो ऐसी कंडीशन में आप दूसरे उचित कदम उठा सकते हैं। ठीक है, अगर उसके भागने की संभावना है तो आप डेफिनेटली उसको हैंडकफ पहना के ला सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन उसके रीज़न शो करने पड़ेंगे। तो उसके लिए सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी का केस था, वो हम देखते हैं। ऐसे ही कोर्ट ने वुमन के रिगार्डिंग जजमेंट दिया कि वुमन को पुलिस स्टेशन में आफ्टर डस्क, यानी कि गोधूली वेला बोलते हैं वैसे तो, लेकिन शाम होने के बाद में हम उसको थाने पर नहीं बुलाएंगे। अगर फिर भी आपको उसका बयान लेने हैं या ज़रूरी है तो आप खुद जाइए और उसके जो रेजिडेंस है या जहाँ पर भी उसको कंफर्टेबल है वहाँ पर जाकर और उसके कोई रिलेटिव की मौजूदगी में या महिला ऑफिसर की मौजूदगी के अंदर आप उसके बयान दे सकते हैं। ठीक है, तो जजमेंट अच्छे अच्छे दिए हैं कोर्ट ने। तो इस तरह के जजमेंट जो आ रहे हैं ये पब्लिक के एट लार्ज बेनिफिट के लिए हैं, ये जुडिशियल एक्टिविज्म कहलाता है। लेकिन जुडिशियल एक्टिविज्म के लिए या पब्लिक के बेनिफिट के लिए जो मैटर आते हैं, तो क्या कोर्ट खुद ही उसमें एक्शन लेता है? पब्लिक की तरफ से कोई भी व्यक्ति जो पब्लिक के इंटरेस्ट में मैटर हो उसको ला सकता है, जिसको हम पीआईएल बोलते हैं।
PIL का मीनिंग, स्कोप, नेचर, वो सब हम कर चुके हैं पहले, तो मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा। लेकिन PIL पब्लिक की तरफ से कोई भी ला सकता है जो पब्लिक के बेनिफिट के लिए काम करे, उसका पर्सनल इंटरेस्ट उसमें नहीं होना चाहिए। पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन वो इंटरेस्ट ऐसा नहीं होगा कि पब्लिक के इंटरेस्ट से अलग हो। पब्लिक में से व्यक्ति जो निकल के आ रहा है डेफिनेटली पब्लिक का ही आदमी है, लेकिन उसका सिर्फ पर्सनल इंटरेस्ट, मैंने कहा सिर्फ पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, उसका इंटरेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ हो सकता है, लेकिन अलग से नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि PIL की एड में खुद का इंटरेस्ट सोल्व करवा रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। यहाँ तक कि कोर्ट ने इस तरह जजमेंट पास किए हैं जहाँ पर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर 49% बैकवर्ड या रिजर्व क्लासेस को रिजर्वेशन मिल रखा है, लेकिन उसमें क्रीमी लेयर्स को एक्सेप्ट कर रखा है, ठीक है। तो ढेरों जजमेंट्स हैं, कितने जजमेंट्स आपको बताए जाएं, सब जितना बताया जाए उतना कम है। लेकिन यहाँ पर जो मेन चीज़ है समझने की, वो है जुडिशियल एक्टिविज्म और इसका PIL से कनेक्शन, जो आपको मैं बता चुका हूँ। लाइफ के रिगार्डिंग जजमेंट पास हो रखे हैं, एनवायरमेंट पोल्यूशन के रिगार्डिंग MC मेहता के साथ मिल जाएगा। तो ढेरों जजमेंट्स हैं जिसके अंदर PIL लगाई गई है, ढेरों जजमेंट्स हैं जिसके अंदर जुडिशियल एक्टिविज्म हमें देखने को मिलता है। तो उसमें कुछ केसेस मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, तो हर लेक्चर के अंदर मैं आपको वो केसेस डिस्कस करूं तो ये मेरे ख्याल से रिपीटेशन हो जाएगा, जो आप और मैं दोनों ही कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। तो हम यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कवर कर लेते हैं, वो है जुडिशियल प्रोसेस इन रिट एंड PIL। रिट हो या PIL हो, दोनों काफ़ी हद तक एक जैसी है, लेकिन दोनों के नेचर में फ़र्क है, इसलिए कुछ फॉर्मेलिटीज़ की हम यहाँ पर जो है छूट दे देते हैं PIL के अंदर, क्योंकि रिट जाती है 32 और 226 के अंदर, और PIL जो जाती है वो भी 32 और 226 के अंदर ही जाती है। तो PIL के अंदर जब हम कोर्ट में आ रहे हैं, तो इससे सोसाइटी को एट लार्ज जो फ़ायदा मिलता है उसकी तुलना किसी और चीज़ से नहीं की जा सकती है। ये सोशल नीड्स के अकॉर्डिंग ही PIL लगाई जाती है, उसके अकॉर्डिंग ही जजमेंट्स पास किए जाते हैं, ठीक है। आज से 100 साल पहले कोई ट्रैफिक के रिगार्डिंग PIL नहीं लगा सकता था, क्योंकि तब ट्रैफिक था भी नहीं, आज लगाते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट पब्लिक का है भी कि नहीं है, ये चेक करना बहुत जरूरी है। वरना होता क्या है कि PIL ऐसे ऐसे लोग लगा देते हैं जो सिर्फ PIL इसलिए लगाते हैं क्योंकि उनको सुर्खियों में आना होता है, क्योंकि जो PIL लगाता है वो जो कुछ एक अहम मुद्दा होता है उसके ऊपर जब PIL लगाई जाती है तो अगले दिन सुर्खियों में वो चीज़ आ जाती है, और अगर TV की बात करें तो वो तो लाइव आ जाती है। कोर्ट रूम लाइव नहीं दिखाते, लेकिन ये खबर लाइव आ जाती है कि इस तरह की PIL लगाई गई है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब बात करते हैं जुडिशियल प्रोसेस की, कि रिट के अंदर और PIL के अंदर जुडिशियल प्रोसेस क्या होती है, कैसे कैसे लगाई जाती है। तो मैं आपको रिट का बता देता हूँ होता कैसे है, पहले रिट समझते हैं फिर PIL पे भी आते हैं। देखिए, एक तो सबसे पहले हम जैसे सिंपल प्लेंट पेश करते हैं, तो ठीक वैसे ही रिट पिटीशन भी पेश करते हैं। अब उसमें लिखा क्या क्या होता है वो उतना डिटेल में आपको यानी बताना, कि हमारा ये ड्राफ्टिंग का सब्जेक्ट नहीं है। अगर आपको रिट की या PIL की ड्राफ्टिंग समझनी है तो उसके लिए आप ड्राफ्टिंग के ऊपर लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। रिट के अंदर आप जैसे प्लेंट पेश करते हैं, प्लेंट में सब कुछ लिखते हैं, ठीक वैसा ही आप रिट के अंदर लिखते हैं। बस इतना है कि रिट जो है वो स्टेट के अगेंस्ट में जो है लगाई जाती है, किसी इंडिविजुअल के खिलाफ आप मिसलेनियस रिट तो लगा सकते हैं, लेकिन प्योर रिट आप किसी भी व्यक्ति के खिलाफ नहीं लगा पाएंगे। अब मिसलेनियस रिट और प्योर रिट में क्या फ़र्क है, तो मिसलेनियस रिट जैसे कि प्रोहिबिशन रिट है, वो मिसलेनियस रिट में आती है। उसमें क्या होता है कि प्रोसीडिंग लोअर कोर्ट में चल रही है आपकी और मेरे बीच में, लेकिन मुझे वहाँ पर किसी स्टेज पर प्रॉब्लम आ रही है जिसमें वो कोर्ट कुछ कर नहीं रही है और मुझे लगता है कि कोर्ट को करना चाहिए, तो मैं हाई कोर्ट जाता हूं और वहां पर ऑर्डर पास करवाता हूं कि लोअर कोर्ट को ऐसे एक्शन दिए जाएं। तो अब वहां पर जो रिट जारी हुई है, तो वहां पे मैं रिट के अंदर जो पार्टी बनाऊंगा वो आपको बनाऊंगा या कोर्ट को बनाऊंगा? मैं कोर्ट को नहीं बनाऊंगा, कोर्ट को पार्टी नहीं बनाया जाता है, पार्टी बनाऊंगा मैं आपको, क्योंकि प्रोसीडिंग वहां आपके मेरे बीच में चल रही है ना, तो यहां पर मैं आपको ही लेकर आऊंगा, ठीक है ना। और आप वहां पर रिट के अंदर जवाब दोगे कि नहीं 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 वहां जो चल रहा है सब सही चल रहा है, आप तो ये कहोगे ना,
लेकिन मैं कहूंगा कि नहीं सही नहीं चल रहा, ठीक है ना, मेरे विटनेस को जो है मौका नहीं दे रहे हैं कुछ उसको बयान लेने का देने का। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर मैं आता हूँ हाई कोर्ट में और रिट कंडीशन पास करवा के लेके जाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने आपके खिलाफ रिट लगाई, ठीक है ना, लेकिन मैं सीधा हाई कोर्ट आ रहा हूँ, मैं कहीं नहीं गया नीचे। और हाई कोर्ट में आकर और मैं ये कहता हूँ कि आरपीएससी ने, अब आरपीएससी क्या है, वो स्टेट की तरफ से माना जाता है आरपीएससी को, ठीक है ना, या कोई स्टेट का कोई डिपार्टमेंट है जो ढंग से काम नहीं कर रहा है और उसके रिगार्डिंग मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम मेरे को आ रही है, पब्लिक को नहीं आ रही है। तो अब ऐसी कंडीशन में वहाँ पर मैं रिट लेके जाऊँगा, पीएल नहीं लेके जा सकता क्योंकि पब्लिक मैटर है ही नहीं, ये मेरा मैटर है, ठीक है ना, तो मैं रिट लगा के जाता हूँ। अब वहाँ पर पार्टी बनाऊँगा मैं स्टेट को, किसी व्यक्ति को नहीं बनाया मैंने, स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनको मैं उनके नाम से पार्टी नहीं बनाऊंगा क्योंकि उनका ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है, तो उनका ट्रांसफर कहीं दूर हो जाता है तो क्या वो वहां से आएंगे, वो लोग नहीं आएंगे, मैं सरकार को पार्टी बना रहा हूँ, सरकार में उस पोस्ट के ऊपर जो व्यक्ति बैठा होगा आज वो ही आ जाएगा, ठीक है ना, तो मैं बाई पोस्ट पार्टी बनाऊंगा सरकार को, मैं किसी व्यक्ति विशेष को पार्टी नहीं बनाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद में उसके अंदर हम सारा मैटर लिख देते हैं क्या क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है क्या है, ठीक है, वो सब कैसे होता है वो सब ड्राफ्टिंग का पार्ट है, तो आप ड्राफ्टिंग के लेक्चर्स अपलोड जो है वो हो रहे हैं वहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। अब मैंने ये रिट बनाकर कोर्ट में पेश की, ठीक है, क्या मैं बाई लेटर भी रिट भेज सकता हूँ, आजकल स्कोप छोड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये बहुत रेयर मामले में होता है, जनरली नहीं होता है। अगर आपको रिट पेश करनी है तो आपको रेगुलर रिट पिटीशन पेश करनी पड़ेगी, यानी कि आपको कोर्ट आना पड़ेगा, कोर्ट में आकर फाइल बनाकर पेश करनी पड़ेगी, इसको हम बोलते हैं रेगुलर फाइलिंग, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, अच्छा होता क्या है, रिट के अंदर आपको प्रॉपर लैंग्वेज प्रॉपर फॉर्म के अंदर आपको पेश करना होता है, और वो सब क्या होंगे, तो उसके लिए आपको, अब हाई कोर्ट में लगा रहे हो तो हाई कोर्ट के रूल्स, और सुप्रीम कोर्ट में लगा रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बने हुए हैं वो आपको पढ़ने चाहिए, और जो अप्रोप्रिएट लॉ लगता है आपके उस मैटर में जो आपने रिट में बनाया है, अगर उसके अंदर कुछ और फॉर्म दे रखा है तो आपको वो भी बनाकर साथ में पेश करना होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम रिट लगाते हैं, रिट बनाकर हम पेश कर रहे हैं, तो आपको रिट को, क्योंकि रिट मतलब सिविल रिट है, ठीक है ना, क्रिमिनल रिट भी होती है लेकिन मैं उस पर नहीं आ रहा, आप सिविल रिट समझ लीजिए काफी आपके लिए। सिविल रिट के अंदर जब हम रिट पेश करते हैं तो उसके अंदर हर एक पेज के ऊपर जो रिट पेटिशनर है, जैसे मैं लगा रहा हूं, तो मेरे सिग्नेचर होने कंपल्सरी हैं, ठीक है, और एडवोकेट के सिग्नेचर होंगे जहां पर एक या दो तीन जगह बनी हुई होती हैं उसके अंदर, सिर्फ वहीं होते हैं और बाकी सब जगह नहीं होते हैं। एफिडेविट लगता है रिट के साथ में, उस पे पेटिशनर के साइन होते हैं, साथ में दूसरे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जिसको हम एविडेंस कह सकते हैं, उनके ऊपर पार्टी के या एडवोकेट के सिग्नेचर, किसी के भी सिग्नेचर नहीं होते हैं, ठीक है ना, वो तो लगते हैं जैसे लगते हैं। लोअर कोर्ट में जो प्लेंट पेश होते हैं और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में रिट पेश होती है, उसमें थोड़ा सा फर्क ये है कि प्लेंट के अंदर हम जो भी एविडेंस पेश कर रहे होते हैं उसका हमें प्राइमरी एविडेंस पेश करना होता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप सेकेंडरी एविडेंस भी पेश कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, प्राइमरी भी कर सकते हो सेकेंडरी भी कर सकते हो, तो इसलिए प्राइमरी कोई करता नहीं है क्योंकि फिर वो ओरिजिनल होता है तो कोई नहीं देता, ठीक है ना। हाँ ये अलग बात है कि आप वापस ले सकते हो, लेकिन फिर भी आप सेकेंडरी एविडेंस पेश करें ठीक रहेगा। आप उसके बाद में इस पूरी की पूरी रिट की फाइल को ओथ कमिश्नर से ओथ करवाते हो, नोटरी पब्लिक से नहीं होगा, ओथ कमिश्नर से करवाते हो, ओथ कमिश्नर उसमें करेगा, ओथ करेगा उसको, ओथ कमिश्नर का काम जुडिशियल पेपर्स के लिए होता है, नोटरी पब्लिक वाले का काम नॉन जुडिशियल वाले पेपर्स के लिए होता है, ये फर्क होता है दोनों में। आप उसके ऊपर कोर्ट फीस लगाओगे, अब कोर्ट फीस कितनी लगेगी तो उसके कई क्राइटेरिया हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा,
और पूरा लेक्चर हमारा उस पर हो जाएगा और वो आपके सिलेबस का पार्ट भी नहीं है। लेकिन कोर्ट फीस लगती है, अप्रोप्रिएट कोर्ट फीस लगती है जो आपको लगानी होती है, और वो लगाकर आपको बाद में कैंसिल करनी होती है। तो जब कैंसिल ही करनी है लगा क्यों रहे हैं? कैंसिल का मतलब ये है कि ये एक सिग्नेचर है उस टिकट का, उस कोर्ट फीस का, कि ये यूज हो चुकी है, अब ये दोबारा फर्दर किसी और फाइल में यूज नहीं की जाएगी। वरना होता क्या है कि कुछ जो बदमाश टाइप के लोग होते हैं, मैं नहीं कहूँगा कौन है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हर जगह पाए जाते हैं और हर फील्ड में पाए जाते हैं, जो कि वहाँ से आपके उस कोर्ट फीस को उखाड़ देंगे और अपने फाइल में यूज़ कर लेंगे। तो वो ना हो, इसलिए होता क्या है कि जब आप कोर्ट फीस लगा के देते हैं तो उसको बाद में कैंसिल की एक मोहर होती है वो लगाकर, और साथ में पेश करने की मोहर होती है वो ठप्पा लगाकर, और अपना जो एडवोकेट साहब होते हैं वो अपना साइन नाम लगा लिखकर और पेश कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया फाइलिंग का काम। उसके बाद में क्या हो रहा है? उसके बाद में वो फाइल चेक होती है कि क्या इसमें कोई डिफेक्ट है, क्या कोई नेसेसरी डॉक्यूमेंट तो लगाए नहीं है। तो वो सब सिस्टम चलता है, लंबा सिस्टम है। डिफेक्ट नहीं है तो फाइल पास हो जाएगी, डिफेक्ट है तो डिफेक्ट पड़ जाएगा, डिफेक्ट नंबर 1, 2, 3 जो भी है कि भाई ये नहीं है, या कहीं पर साइन करना बाकी है, या कहीं पर और कमिश्नर की मोहर नहीं लगी है, या कहीं पर प्रॉपर कोर्ट फीस नहीं लगाई गई है। कोर्ट फीस ज़्यादा हो चलेगा, कम नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा हो जाएगी तो डिफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, लेकिन कम है तो डिफेक्ट पड़ जाएगा। ठीक है, तो कोर्ट फीस आपको पता होनी चाहिए, वो आप जब एक्सपीरियंस की बात है वो धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा, जब आप कोर्ट प्रैक्टिस करोगे तो पता लग जाएगा आपको। उसके बाद में यहाँ पर मान लेते हैं कि फाइल पेश हो गई है, या चलो ठीक है डिफेक्ट पड़ गया, डिफेक्ट पड़ गया तो डिफेक्ट पड़ने के बाद में आपको ऐसा नहीं कि फाइल आगे खिसकेगी, नहीं, आपको टाइम दिया जाएगा कि आप उन डिफेक्ट्स को दूर कर लीजिए, ठीक है ना। और एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है, और ऐसा भी नहीं है कि आपको 1 दिन या 2 दिन देते हैं, 2 हफ्ते मांगे चलिए आपको दे देते हैं, ठीक है ना। 2 हफ्ते के बाद में अगर आप नहीं करते हैं तो फाइल जाती है रजिस्ट्रार के पास, फिर रजिस्ट्रार आपको फिर मौका दे सकता है, ठीक है ना। और आप फिर भी अगर डिफेक्ट दूर नहीं करते हैं तो फिर वो फाइल आपकी वहाँ से रिजेक्ट हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट थी जो आपने पूरी नहीं की। कई बार ये होता है कि कोर्ट के सामने फाइल लगती है, ठीक है ना। अब ये अलग अलग कैटेगरी है, अब मैं इतना डिटेल में आपके यहाँ नहीं जाऊँगा क्योंकि वो आपके LLB लेवल काम की चीज़ नहीं है, ठीक है ना। कोर्ट के अंदर जाती है, कोर्ट आपको परेमटरी ऑर्डर देता है कि आप जो है इसको इतने टाइम में दूर करिए, वो होता है तो ठीक है, अदरवाइज फाइल आपकी खारिज हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको दोबारा पेश नहीं कर सकते, वो खारिज होती है कोई बात नहीं, आप फिर से एक उसी रिट को जो है नई फाइल बनाकर पेश कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में पहले वाली फाइल का कोई मतलब नहीं है, लेकिन वही है कि टाइम लिमिट पीरियड अगर निकल जाएगा तो आपको सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट साथ में अपेक्षा लगानी पड़ेगी, ठीक है ना। और टाइम पीरियड अपने पास में है तो कोई दिक्कत नहीं है, पेश करो, फिर वापस वही प्रोसीजर, ठीक है। ये तो हुआ तब जब डिफेक्ट पड़ता है, डिफेक्ट नहीं पड़ता है तो फाइल आपके पास हो जाएगी, उसके बाद में फर्स्ट डेट वहाँ बाबू दे देता है, ठीक है, जो क्लर्क है वो दे देता है, और उस डेट को वो फाइल लग जाती है कोर्ट के सामने, ठीक है। उसके बाद में वो डेट आपको पता लग जाएगी, ठीक है ना। पता कैसे लगती है? तो पता लग जाती है भाई, ठीक है ना, ऑनलाइन तरीके हैं और भी तरीके हैं, तो वो पता लग जाती है, ठीक है, उसके कई तरीके होते हैं, ये सब छोटी एक्सपीरियंस की बातें हैं, तो आपको सब पता लग जाता है, अपनी फाइल का सबको ध्यान होता है। फर्स्ट डेट लग चुकी है, मान लीजिए आज की लग चुकी है, अब क्या होगा? तो आज के दिन सिर्फ एडमिशन पर बहस होगी। एडमिशन का मतलब कि आपकी फाइल जो आपने लगाई है, रिट पिटीशन लगाई है, क्या ये मामला इस तरह का है कि दूसरी पार्टी को समन जारी करके बुलाया जाए और उसका जवाब मांगा जाए, क्या इस तरह का है? इसके ऊपर सुनवाई होगी, तो सुनवाई होगी तो कौन कौन करेगा? भाई आप पिटीशनर हैं तो आप और कोर्ट, बस वही है, नॉन पिटीशनर यहाँ पर नहीं है, क्यों? क्योंकि अभी उसको तो समन गए नहीं ना, तो आएगा कहाँ से, ठीक है ना। तो पेटिशनर अपनी बात को प्रूव करने की कोशिश करता है कि हाँ जज साहब, ये जो बात है बनना पाया जाता है मैटर, दूसरे पार्टी को नोटिस जारी किया जाए। तो जब कोर्ट को लगता है कि हाँ ठीक है भाई जारी करते हैं, जारी कर देंगे, अदरवाइज वहीं पर ही खारिज कर देंगे, ठीक है ना। अब यहां पर अगर खारिज हो जाता है तो आप वापस से उसी मैटर को नहीं लगा सकते, ठीक है ना, क्योंकि अब ये ऑन मेरिट खारिज हुआ है। और अगर आप कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे थोड़ी सी लिबर्टी दी जाए, मैं ऐसा ऐसा अल्टरनेट ऑप्शन ट्राई कर लूं, तो कोर्ट आपको, अगर उसकी मर्जी है तो अल्टरनेट ऑप्शन के लिए आपको जो है लिबर्टी दे सकती है, और चाहे तो आप कोर्ट को कन्विंस कर लीजिए कि आप जो है थोड़ी सुधार करके रिट पिटीशन को फिर से पेश करें, लेकिन ये कोर्ट की डिस्क्रिशन पावर है, चाहे तो अलाउ करे, अदरवाइज ना भी अलाउ करे, ठीक है ना।
तो मान लेते हैं कि समन जारी हो गए, दूसरे पार्टी को नोटिस जारी हो गए, तो समन का एक फॉर्मेट होता है, वो भर के आपको ही देना होता है, उसके साथ में आपको रिट पिटीशन की एक कॉपी लगानी होती है, एक या दो या तीन, डिपेंड करता है आपने पार्टी कितने को बनाया है, दूसरी तरफ कितने पार्टी हैं, स्टेट है तो सिर्फ एक स्टेट ही है, या फिर आपने उसके साथ में दो तीन डिपार्टमेंट्स और बना रखे हैं, तो हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग कॉपी होती है, ठीक है ना। तो जितनी पार्टीज बनाई हैं आपने उन हर एक को जाएगी, लेकिन ये नॉन पेटिशनर के लिए है। पेटिशनर में आपको दूसरों को कॉपी देने की जरूरत नहीं है, अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा पेटिशनर्स हैं तो आपको दूसरे पेटिशनर को कॉपी देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन ये है कि अगर आपकी खुद की एक बीच में इंटरलोक्यूटरी अपीलेशन लग जाती है दूसरी कुछ भी, तो उसकी कॉपी आपको जो है सभी को पेटिशनर्स को और नॉन पेटिशनर्स को देनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब इंटरलोक्यूटरी अपीलेशन क्या होती है, तो ये सब आपके सीपीसी और इसका ड्राफ्टिंग का मैटर है, तो आप वहाँ पर जो लेक्चर्स हैं उनमें आप देख सकते हैं। फिलहाल हमारा जो टॉपिक है हम उसको कवर करते हैं। हाँ, तो दूसरी पार्टी को समझ चला गया, अब दूसरी पार्टी को समझ जाएगा तो उसमें डेट लिखी हुई होगी कि आप इस तारीख तक कोर्ट में हाजिर होकर अपना जवाब दीजिए। तो दूसरी पार्टी स्टेट है, जो स्टेट की तरफ से ऑलरेडी स्टैंडिंग काउंसिल खड़े हुए होते हैं। स्टैंडिंग काउंसिल का मतलब ऐसा है, वो वकील जो किसी डिपार्टमेंट की तरफ से या किसी कंपनी की तरफ से ऑलरेडी उनका जो एक कोरम होता है उसमें पैनल होता है उनका, उसके अंदर वो ऑलरेडी अपॉइंटेड होते हैं, ठीक है ना। तो हर कंपनी और हर डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ना कोई एडवोकेट पैनल बना हुआ होता है, जिसमें से ये होता है कि अगर ये मैटर इस कोर्ट में गया तो यहाँ पर ये वकील साहब खड़े होंगे, उस कोर्ट में गया तो वो वकील साहब खड़े होंगे, ऐसे बना हुआ होता है, ठीक है ना। तो स्टेट की तरफ से जो एडवोकेट्स होते हैं वो वहाँ पर जाते हैं कोर्ट में उस तारीख को, और फिर अपना जवाब चाहे तो लिख कर पेश करने का मौका पालें या फिर वो ओरली बहस कर सकते हैं। तो रिट के अंदर और प्लेंट में थोड़ा सा फर्क ये है कि रिट के अंदर जब जवाब आएगा तो ज़रूरी नहीं है कि वो जवाब जो है लिखकर पेश किया ही जाए, लेकिन लोअर कोर्ट में रिटन स्टेटमेंट जब आता है तो लिखकर ही कोर्ट में पेश करना होता है, कंपलसरी होता है, ठीक है ना। ओके, उसके बाद में वो आ गया उस तारीख को जब कोर्ट ने कहा था और वो उसके बात का जवाब दे रहा है, या फिर ये चाहे तो कोर्ट से रिक्वेस्ट करे कि जज साहब मुझे जो है रिटर्न में आर्ग्यूमेंट्स पेश करने, तो मुझे आप कुछ दिनों का टाइम दीजिए, तो उस तरह से वो मौका पा सकता है, जैसा भी कोर्ट उसको अलाउ करता है। जनरली लिखकर कोई नहीं करता है, सबके सब उस फाइल की जो कॉपी गई थी समन के साथ में उसको पढ़कर और अपने जवाब वैसे ही मौके ग्रुप से उनको वहाँ कोर्ट में दे देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर इश्यूज क्या बनेंगे, क्योंकि बिना इश्यू के कोर्ट सॉल्यूशन कैसा करेगा। तो कोर्ट इशू वहाँ पर फ्रेम कर सकता है अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो इशू फ्रेम होते हैं ये ज़रूरी नहीं है कि वैसे ही इशू फ्रेम हो जैसे कि ऑर्डर 14 सीपीसी में लिखे हुए हैं, ठीक है ना, जैसे कि वहाँ पर लोअर कोर्ट में होते हैं, क्योंकि ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, इनका काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। ये वैसे इशूज़ फ्रेम कर सकते हैं जैसे वहाँ पर हैं करते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, ये चाहें तो अपने हिसाब से भी कि भाई आज के दिन क्या बहस हुई। और इसीलिए हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर एक दिन जो बहस होती है उसको ऑन रिकॉर्ड लिखा जाता है, ठीक है ना, एग्जैक्टली जो की गई है, ठीक है। तो इश्यूज़ फ्रेम करने के लिए अलग से कोई डेट नहीं पड़ती है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, वो लोअर कोर्ट में होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से अपना यहाँ पर बहस चलती है, और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई एविडेंस करवाए जाते हैं, वो सब लोअर कोर्ट में होता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं होता है, कोई विटनेस नहीं बुलाया जाता। हाँ, लेकिन कोर्ट अगर चाहे तो किसी को बुला भी सकती है, कोई मना नहीं है, ठीक है। और फिर बाद में फाइनल हियरिंग करके आर्ग्यूमेंट्स करके और जजमेंट दे देती है, जो भी होता है। अब जजमेंट देने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो जजमेंट हाथों हाथ दे दिया जाए, या फिर कोर्ट जजमेंट रिजर्व भी कर सकती है, ठीक है ना। और ये पावर तो लोअर कोर्ट के पास भी होती है, जजमेंट रिजर्व रखा जा सकता है। इसका मतलब यह है कि फाइनल हियरिंग आज हो चुकी है लेकिन जजमेंट आज ना देकर उस तारीख को देंगे, तो तब तक के लिए जजमेंट रिजर्व रख लिया, ठीक है ना। जजमेंट तैयार किया जाएगा और उस तारीख को पढ़कर सुना दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से होता है, ये है। अब ये तो हो गया रिट का, पीआईएल का क्या कनेक्शन है, पीआईएल में प्रोसेस क्या होती है। तो पीआईएल के अंदर देखो, पीआईएल तीन तरीके से लग सकती है, या तो रेगुलर, या बाई लेटर, या फिर सुओ मोटो कोर्ट खुद भी कर सकती है। तो रेगुलर पीआईएल तो वैसे लगती है जैसे कि सिंपल रिट लगती है, जो आपको मैंने अभी बताया। लेटर पिटीशन कैसे होती है, तो लेटर पिटीशन के लिए आप एसपी गुप्ता केस पढ़ सकते हैं, उसमें भी लेटर पिटीशन के लिए कोर्ट ने डायरेक्शन दिए थे, लेटर पिटीशन के जरिए हम कोई भी पीआईएल एक्सेप्ट कर सकते हैं। एसपी गुप्ता का केस उसमें अच्छा केस है।
जनता दल के रिगार्डिंग भी एक जजमेंट है, तो वो भी आप साथ में पढ़ सकते हैं, एक पढ़ना चाहिए एस पी गुप्ता और जनता दल दोनों का केस आपको पढ़ना चाहिए। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था पीआईएल का, जब लेटर पेटिशन के जरिए आती है, तो लेटर पेटिशन का मतलब हम एक लेटर लिखते हैं, किसके नाम लिखेंगे, तो आप चीफ जज ऑफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो भी है उसके नाम लिख सकते हैं, आप चाहो तो किसी और जज के नाम भी लिख सकते हो, और आप चाहो तो सीधा रजिस्ट्रार के नाम भी लिख सकते हो, ठीक है। तो वैसे फायदे में क्या रहता है, फायदे में रहता है कि आप चीफ जज के नाम लिखिए या किसी जज के नाम लिखिए, ठीक है ना। तो चीफ जज के नाम लिखते हैं तो चीफ जज उसको स्क्रूटनी डिपार्टमेंट के यहाँ भेज देता है, कोर्ट में बना हुआ होता है, वो उसमें स्क्रूटनी करते हैं कि क्या कोई मैटर बनता है कि नहीं बनता है, बनता नहीं बनता मतलब क्या उसमें बेसिक रिक्वायरमेंट्स एक पीआईएल की जो होती है, क्या उसमें कॉज ऑफ एक्शन लिखा है कि नहीं लिखा है, क्या उसके अंदर पार्टीज का नाम लिखा है कि नहीं लिखा है, क्या उसके अंदर कोई और रिक्वायरमेंट जो है वो सब पूरी है कि नहीं है, मैटर बनता ही नहीं बनता है वो कोर्ट चेक कर लेगी। यहाँ पे स्क्रूटनी डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, स्क्रूटनी डिपार्टमेंट से भी उसके अंदर स्क्रूटनी कर रहा है कि प्राइमा फेसाई ये मैटर इस लायक भी है कि नहीं है कि कोर्ट के बेंच के सामने लगाया जाए, ठीक है ना। और अगर आप किसी जज के नाम अदर देन सीजे, अगर आप किसी जज के नाम अगर पीआईएल भेजते हैं लेटर पिटीशन, तो वो जज क्या करेगा, वो सीजे का नाम भेज देगा और वापस वही प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो रजिस्ट्रार के नीचे स्क्रूटनी डिपार्टमेंट काम करता है, और जैसे रजिस्ट्रार उसको एक्शन देता है वैसे वैसे काम करता है, ठीक है ना। और स्क्रूटनी डिपार्टमेंट स्क्रूटनी करने के बाद में वहाँ पर एक नोट डाल देता है कि कोई भी डिफेक्ट नहीं पाया जाता है या पाया जाता है जो भी है। पीआईएल में एक काम और होता है जो रिट में भी नहीं होता, कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कोर्ट करवा सकता है हियरिंग करने से ही पहले, यानी कि अभी तक डेट पढ़ के फाइल कोर्ट के सामने नहीं आई है, पहले ही प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कोर्ट करवाना चाहता है, क्यों, जानने के लिए कि वेदर देयर इज सम मैटर ऑर नॉट, या हम बिना मतलब परेशान होंगे। तो अगर इंक्वायरी में आता है कि हाँ देयर इज समथिंग, तो फिर कोर्ट उसमें फर्स्ट डेट डालकर सुनवाई कर सकता है, आपको बुलाएगा और समन भी जारी करेगा। लेकिन अगर इंक्वायरी में ये सामने आता है कि देयर इज नथिंग टू प्रोसीड, तो फिर आपको, यू आर पिटिशनर, आपको बिना सुने भी कोर्ट उस लेटर पिटिशन को जो है रिजेक्ट कर सकता है। यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि हमें सुनने का मौका नहीं मिला, ठीक है ना, राइट टू बी हर्ड नहीं आएगा यहाँ पर, ये रूल्स में लिखे हुए हैं, ये रूल्स में लिखे हुए हैं चीजें, ठीक है ना। इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि आप हाई कोर्ट रूल्स, सुप्रीम कोर्ट रूल्स पढ़िए, मैं आपको मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली लेटर पिटिशन वहां पहुंच जाता है कोर्ट के सामने, तो फिर बाद में सब वैसा का वैसा ही स्टार्ट होता है। पीआईएल के अंदर और रिट के अंदर थोड़ा सा जो है मामला यूं चलता है कि रिट में तो अलग अलग कोर्ट फीस लग सकती हैं, जितनी पार्टीज होंगी उसके अकॉर्डिंग कोर्ट फीस ज्यादा या कम हो सकती है। पीआईएल के अंदर पार्टी कितनी भी बने, 50 रुपए की कोर्ट फीस फिक्स है, ठीक है, अभी तो 50 रुपए ही, आगे बढ़ जाए पता नहीं, अभी 50 रुपए। अब आगे तीसरा जो तरीका है वो है सुओ मोटो का, कि कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेती है। अब वो कैसे पता लगता है कोर्ट को, कोर्ट किसी न्यूज़पेपर के अंदर चेक कर ले, कोर्ट किसी टीवी एजेंसी से पता कर ले, कोर्ट कहीं से भी पता कर ले, कोर्ट को कैसे पता लग जाए, कोर्ट को जब जानकारी में कोई चीज़ आती है तो उसके बाद में कोर्ट उस मैटर को खुद ही कॉग्निजेंस लेकर और बाद में अप्रोप्रिएट जो डिपार्टमेंट लगता है उसके खिलाफ समन जारी करके वापस वो प्रोसीडिंग फॉलो कर सकती है जो रेगुलर में और लेटर में होता है। बस इसमें इतना सा है कि यहाँ पर कोर्ट फीस नहीं लगेगी, ठीक है ना, कोर्ट अपने आप कोई कोर्ट फीस नहीं देती है, मतलब कोर्ट खुद ही अपने आप कोर्ट फीस ना देगी, है ना, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। पीआईएल के अंदर एक चीज़ और होती है, पीआईएल में क्या होता है कि मान लीजिए मैं पेटिशनर हूँ या कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस में ले रही है, तो दूसरी तरफ जो नॉन पेटिशनर है वो डिपार्टमेंट आ जाएगा। लेकिन इधर पेटिशनर की तरफ से अगर मैं आया हूँ, मैं पीआईएल लगा रहा हूँ और लेटर ऑन मैं अपने आप को विड्रॉ करता हूँ कि मैं तो थक गया इससे, है ना, तो मैं अपने आप को तो विड्रॉ कर सकता हूँ लेकिन मैं पीआईएल को विड्रॉ नहीं करवा सकता, ठीक है ना। पीआईएल वहीं की वहीं रहेगी कोर्ट के अंदर और कोर्ट मेरी जगह किसी और को सब्स्टिट्यूट कर देगा, ठीक है। और यहीं पर अगर कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेती है, मैं कोर्ट हूं, मैं जज हूं, मैंने सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लिया, तो मैं खुद ही जज हूं और खुद ही जो है पिटिशनर नहीं बन सकता। सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेने का मतलब यह है कि हम इस मैटर की सुनवाई करेंगे, कोई हमारे सामने मैटर लेकर आया नहीं है, हम खुद सुनवाई करेंगे, ठीक है ना। लेकिन एज पिटिशनर किसी को इस मैटर में पक्ष रखने के लिए अपॉइंट जरूर किया जाएगा।
तो वो कोई भी एडवोकेट हो सकता है जो कोर्ट बार में से किसी को भी अपॉइंट करवा देगी, ठीक है ना। तो वो वहाँ पर एज पेटिशनर उस मैटर में पक्ष रखेगा, ठीक है, और बाकी प्रोसीडिंग वैसी की वैसी चलती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो एडवोकेट अपॉइंट किया गया है वो उस पेटिशन के अंदर कोर्ट फीस देगा, नहीं देगा, क्योंकि वो पीआर नहीं लेकर आया, ठीक है ना, उसको अपॉइंट किया गया है एज एमिकस क्यूरी, ठीक है ना। सो ये सब प्रोसीडिंग होती है इसके अंदर। और इसके अलावा इसके अंदर बताने लायक और कुछ है नहीं। तो इस लेक्चर में हम इतना करते हैं, जिसके अंदर हमने कवर कर लिया जुडिशियल एक्टिविज्म, सोसाइटी अकॉर्डिंग इसके नीड्स क्या है, PIL और जुडिशियल एक्टिविज्म में क्या कनेक्शन है, ये हमने कवर कर लिया है। इसके अलावा हमने रिट और PIL के अंदर जो प्रोसीडिंग चलती है उसको भी हमने कवर कर लिया है। तो काफ़ी कुछ हमने इस लेक्चर में कवर कर लिया है। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में इजीली आ गया होगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट किसी अच्छे से टॉपिक के साथ में। तो तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय। St. Wilfrid College of Law, Sector 10, Miramar, Madhyam Marg, Jaipur, Rajasthan.